दिस इज वेरी सीरियस। मेरी रिक्वेस्ट है आज की इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। आज इस दिखावे की दुनिया से पर्दा उठने वाला है। अब इस टॉपिक पे तो सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी एंड मैंने एक साल पहले इस टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है, लेकिन आज फिर इस टॉपिक को डिस्कस करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ रही है बिकॉज ऑफ सम सेमलेस फ्री फायर क्रिएटर्स। एज यू नो, इस कम्युनिटी के क्रिएटर्स किस हद तक गिर सकते हैं मनी के लिए, फेम के लिए और सब्सक्राइबर्स के लिए। एक बार फिर से ये सच में ध्यान देने वाली बात है और मैं ये फैसला तुम पर छोड़ रहा हूँ। पूरी वीडियो देखने के बाद मुझे ये जरूर बताना कि मैंने जो कुछ भी बोला सही बोला या गलत बोला। अभी रिसेंटली ही इस कम्युनिटी में एक ट्रेंड आ करके गया है, माँ की कसम देने वाला ट्रेंड। एंड यू नो डैट कि फ्री फायर कम्युनिटी के काफी सारे क्रिएटर्स ने इस चीज का इस्तेमाल किया एंड अपने चैनल पे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स गेन किए। एंड तुम्हें ये भी पता होगा कि इसकी शुरुआत एक्सपर्ट गेमिंग नाम के क्रिएटर ने की थी, जिसका चैनल अभी यूट्यूब ने रिमूव कर दिया है यूट्यूब से। मुझे ये बताते हुए शर्म आ रही है और हंसी भी आ रही है कि भाई उस चैनल पे 1.5 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। 1.5 करोड़ पीपल, इतने लार्ज नंबर ऑफ पीपल के माइंड के साथ खेलना और उनको सब्सक्राइब करने के लिए फोर्स करना, दिस इज नॉट अ जोक। अगर इंडिया की इतनी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन अपने माँ के नाम पे अपनी फीलिंग्स के लिए किसी को सब्सक्राइब कर सकती है, उनकी फीलिंग्स के नाम पे उनको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनकी फीलिंग्स के नाम पे उनका किस तरीके से फायदा उठाया जा सकता है, ये आप लोग समझ ही सकते हो। एंड नाउडेज कुछ क्रिएटर्स यही काम कर रहे हैं एंड पता नहीं क्यों ऐसे सिचुएशंस में हमारी फ्री फायर कम्युनिटी ही सबसे आगे आ जाती है। खैर, अब हमें भी आगे आना पड़ेगा एंड इस चीज को पूरी तरीके से एंड करना पड़ेगा। यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करते टाइम तुमने काफी सारी ऐसी शॉर्ट्स देखी होंगी जिसके अंदर बैकग्राउंड में हनुमान जी का या फिर राम जी का या फिर कोई भक्ति सॉन्ग चल रहा होता है एंड उसी वीडियो के अंदर कोई क्रिएटर चिल्ला रहा होता है, गाली दे रहा होता है, अपने टीममेट्स को गाली दे रहा होता है एंड गेम प्ले कर रहा होता है। ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है कि क्रिएटर अपने क्लचेस के बैकग्राउंड में भोलेनाथ का या फिर शंकर जी का कोई सॉन्ग ऐड कर देते हैं एंड उस चीज को यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। चलो नॉर्मली इफ यू आर डूइंग दिस नो प्रॉब्लम, लेकिन उसी वीडियो के अंदर तुम गालियां दे रहे हो, उसी वीडियो के अंदर तुम चिल्ला रहे हो एंड बैकग्राउंड में भोलेनाथ का सॉन्ग ऐड कर दिया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक अच्छा सा क्लच निकल गया। लेकिन उस वीडियो में भोलेनाथ का सॉन्ग ऐड करने की क्या जरूरत है? जस्ट फॉर लुकिंग कूल, या फिर तुम उस सॉन्ग को एज अ एटीट्यूड सॉन्ग यूज कर रहे हो उस वीडियो के अंदर? एंड इसके अलावा तो मुझे कोई लॉजिक दिख नहीं रहा है उस सॉन्ग को यूज करने का। एंड व्हाई ऑलवेज हिंदू गॉड्स? क्यों बॉलीवुड से लेकर के यूट्यूबर्स तक ऑलवेज टारगेटिंग हिंदू गॉड्स? क्यों? चलो एक सेकंड के लिए हम ये भी एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई तुमने कूल लगने के लिए या फिर एटीट्यूड सॉन्ग के पर्पस से उस सॉन्ग को ऐड कर रखा है अपनी वीडियोस में, बट एटलीस्ट भगवान के, देवताओं के, हनुमान जी के, राम जी के सॉन्ग्स यूज करके बैकग्राउंड में किसी टीममेट को माँ बहन की गाली तो मत दो, किसी के ऊपर चिल्लाओ तो मत। एंड तुमने शॉर्ट्स में एक ऑल टाइप जरूर देखी होगी, एंड नाउडेज दिस इज ट्रेंडिंग। सम सो कॉल्ड एंग्री यूट्यूबर्स एंड नॉर्मल यूट्यूबर्स स्पिनिंग इन लक रॉयल, एंड स्पिन करने से पहले चिल्ला चिल्ला कर जय श्री राम का नाम लिया जाता है, बैकग्राउंड में श्री राम के सॉन्ग्स लगाए जाते हैं एंड उसके बाद लास्ट में जय श्री राम कमेंट करने को कहकर वीडियो को एंड कर दिया जाता है। एंड वो भी एक बार नहीं, 1000 ऑफ टाइम्स। डेली ही इज अपलोडिंग अ वीडियो जिसके अंदर जय श्री राम या जय बजरंग बली चिल्ला चिल्ला करके स्पिन करता है जब भी कोई नया लक रॉयल आता है। तो लास्ट में वही ऑडियंस के फीलिंग्स के साथ खेलने वाला काम, जय श्री राम कमेंट करो, वीडियो की रीच बढ़ेगी। श्री राम से भाई को कोई लेना देना नहीं है, भाई को सिर्फ रीच से लेना देना है। एंड जब भी इनका चैनल डाउन जाने लगता है ही अपलोड्स अ वीडियो सेम लाइक दैट। मैं इसके जैसे इंटरनेट वाले कट्टर हिंदुओं से ये कहना चाहता हूँ, प्लीज सुधर जाओ, टाइम है, संभल जाओ, सुन लो मेरी बात। ब्रो स्टॉप यूजिंग गॉड्स फॉर बिजनेस। देखा तुम लोगों ने, इनके जैसे कुछ क्रिएटर्स हैं जो हनुमान जी का और राम जी का नाम लेकर के अपनी रीच, गॉड्स का नाम लेकर के अपनी रीच को बढ़ाने में लगे हैं। जब इनकी रीच की बात आती है, जब इनकी वीडियोस की बात आती है, तो उसके अंदर ये लोग अपनी रीच बढ़ाने के लिए खुद बोलते हैं कि भाई जय श्री राम स्पैम करो, भगवान का नाम स्पैम करो। भले ही ये बंदा महीनों महीनों तक मंदिर न गया हो, किसी जरूरतमंद को 10 रुपए न दिए हो, किसी भूखे बच्चे को खाना न खिलाया हो, लेकिन इंटरनेट पे कट्टर हिंदू बनने के लिए डेली एक वीडियो अपलोड जरूर की जाए। ऐसा सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी के अंदर नहीं, अदर कम्युनिटीज में भी है। फॉर एग्जाम्पल अनुराग दोबल दोगला, भाई पहले तो ऑक्टोपस खा रहे थे लेकिन जैसे ही बिग बॉस में जाने की बारी आई कट्टर हिंदू बन गए, जय श्री राम हर वीडियोस में चिल्लाने लग गए। और यही तो होता है। तो यार हम लोग ना ऑक्टोपस खाने से पहले स्मूदी पी रहे हैं ताकि टेस्ट अच्छा रहे। जय श्री राम गाइस। ऑडियंस से हमेशा धर्म के नाम पे ही फायदा उठाया जाता है, हमेशा उनकी फीलिंग्स के साथ ही खेलकर फायदा उठाया जाता है। इंसान कहाँ तक गिर गया है, भगवान को भी नहीं छोड़ रहा है, ये तुम लोग खुद देख लो, खुद सोच लो। बाय द वे, एक तरफ
इनके जैसे ही कुछ क्रिएटर्स वीडियोस के अंदर शॉर्ट्स के अंदर जय श्री राम स्पैम करने के लिए बोलते हैं, गॉड का नाम स्पैम करने के लिए बोलते हैं, यस ऑफ कोर्स वीडियोस में अपनी रीच के लिए, तो फिर इनको कोई दिक्कत नहीं होती है, इनको भी मजा आता है, बहुत मजा आता है। एंड अगर वही ऑडियंस अपने मन से किसी क्रिएटर की चैट में जा करके भगवान का नाम या जय श्री राम स्पैम करने लग जाए तो यार फिर उस क्रिएटर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है एंड वो क्रिएटर इरिटेट होने लग जाता है। यार क्या चल रहा है चैट में गाइस, मत करो ऐसा, ठीक है। सो क्या हुआ, ही इज अ वेल नोन एंड अ रिस्पेक्टेड क्रिएटर ऑफ फ्री फायर कम्युनिटी बिन जैद गेमिंग, सो ऑडियंस स्टार्टेड स्पैमिंग जय श्री राम ऑन हिज चैट। एंड हां लेट मी क्लियर, किसी ने इंटेंशनली नहीं करवाया था, ऑडियंस ने खुद अपने मन से वहां पे जाके जय श्री राम स्पैम करना शुरू किया था, क्यों किया मुझे भी नहीं पता। बट इस सिचुएशन पे इनका इस तरीके से रिएक्ट करना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा एंड शायद ही इस चीज को अभी तक किसी ने पॉइंट आउट किया होगा। सब लोग जय श्री राम और मत करो यार, मत करो ना यार। हाँ ठीक है, मैं आपकी बात को समझता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से उधर जय श्री राम लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अगर आपको पता है तो सेम थिंग हैपेंड रिसेंटली इन एप्स कॉलेज, जिसके अंदर जय श्री राम बोलने पर स्टूडेंट को प्रिंसिपल ने स्टेज से डांट कर भगा दिया था। जय श्री राम भाई, जय श्री राम, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, एंड आफ्टर दिस 24 आवर्स के अंदर इनको कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया, इस कॉलेज की वेबसाइट सिस्टम सभी को हैक करके क्रैश कर दिया गया, पूरे कॉलेज को घेर लिया गया। क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर जय श्री राम बोलना इसमें कोई लॉजिक नहीं है, जय श्री राम बोलना भाई कोई लॉजिक ही नहीं है जय श्री राम बोलने में। वुमेन बाय द वे नो हेट टू बिन जैद गेमिंग, लेकिन ये जो इंटरनेट वाले कट्टर हिंदू बनके बैठे हुए हैं ना, इनका पूरी तरीके से इलाज करना है। अगर तुम्हारा भी ये वीडियो देखकर खून खोला और अगर मेरी ही तरह तुम भी चाहते हो कि ये गॉड्स का मिसयूज करने वाले और हिंदू धर्म का नाम खराब करने वाले, बदनाम करने वाले ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे क्रिएटर्स को सजा मिलनी चाहिए और इन्हें YT पे रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, तो ऑफकोर्स मुझे तुम सब की साथ की जरूरत पड़ेगी, तुम सब की मदद की जरूरत पड़ेगी। एंड हम सब जहाँ पे 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हैं वो एक ही जगह है और वो है डिस्कॉर्ड। सो मैं तुम लोगों से आज जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज ज्वाइन अवर डिस्कॉर्ड सर्वर, जिसके अंदर हम लोग एक साथ बैठकर 1,000-10,000 जितने भी लोग मेरे साथ आओगे वहाँ पर सभी लोग साथ में बैठ करके मास रिपोर्टिंग की मदद से इन सब के चैनल YT से गायब करवाएंगे। ये मेरा तुमसे वादा है, लेकिन तुम सभी को इस चीज के लिए ज्वाइन करना पड़ेगा सर्वर को, जिसकी लिंक मैंने कमेंट में सबसे ऊपर पिन कर दी है एंड डिस्क्रिप्शन में भी सबसे ऊपर लगा। दिस इज वेरी सीरियस और आज तक मैंने कभी तुमसे ऐसा नहीं बोला। एंड दिस इज अ वार्निंग फॉर दोस क्रिएटर्स कि 24 घंटे के अंदर तुम्हारी अगर ये सारी वीडियोस YouTube से रिमूव नहीं हो गई तो तुम्हारा चैनल YouTube से रिमूव हो जाए। सो ऑडियंस में कितना दम है ये दिखाने की बारी है और इस कम्युनिटी से गंदगी को साफ करने की बारी है, तो प्लीज ज्वाइन अवर डिस्कॉर्ड सर्वर, एक बार और बोल रहा हूं। इस वीडियो को लाइक करो या ना करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, या फिर उनके जैसे 10,000 जय श्री राम कमेंट्स करो या ना करो, लेकिन इतना सा काम जरूर करना क्योंकि हम सब एक साथ आएंगे तभी कुछ हो पाएगा। सच में मैंने एक चीज नोटिस कर ली, क्रिएटर्स हो तो टोंडे भाई जैसे हो, वरना इनके जैसे सो कॉल्ड इंटरनेट वाले हिंदू तो बहुत सारे। तो अभी रिसेंटली टोंडे भाई ने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर श्री राम और रावण का कोई बंडल आया हुआ है गेम के अंदर, उसको लेकर गेम प्ले वगैरह शो कर रहे थे, बट वहाँ पे उनसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, उन्होंने टाइटल एंड थंबनेल के अंदर राम लिख दिया। ऑडियंस ने उस चीज को नोटिस करना शुरू किया, तो मैंने भी उस चीज को नोटिस किया एंड उन्हें इंस्टाग्राम पर टैग किया कि प्लीज रिमूव दिस, आपने जहाँ पर राम लिखा है उसको या तो आप श्री राम कर दो या तो इस चीज को आप पूरी तरीके से रिमूव कर दो। एंड टोंडे भाई ने एक घंटे के अंदर अंदर उन टाइटल एंड थंबनेल को चेंज कर दिया एंड मुझे DM करके भी बोल दिया, हर्ष भाई सब कुछ चेंज कर दिया है और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। क्रिएटर्स ऐसे होने चाहिए जो कि बात को समझे, चीजों को समझे एंड अपनी गलती को एडमिट करके उसको सुधारे, नो मैटर तुम कितने बड़े क्रिएटर हो या कितने छोटे क्रिएटर हो। थैंक यू सो मच टोंडे भाई फॉर डूइंग दिस। बाय द वे तुम लोग डिस्कॉर्ड सर्वर पे जरूर से आ जाना, वहाँ पे मैं अपना काम, हम सभी मिलके अपना काम तो कर ही देंगे, लेकिन तुम सभी से एक और रिक्वेस्ट है मेरी, तुमको अगर अब कहीं ऐसी वीडियोस दिखे तो सबसे पहले उन्हें रिपोर्ट करना है, उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करके डू नॉट रिकमेंड दिस चैनल पे क्लिक कर देना है। वैसे मैं कभी ये धर्म वगैरह के ऊपर वीडियोस बनाता नहीं हूं, लेकिन ये बहुत ज्यादा ओवर हो रहा था एंड कोई इस चीज को लेकर स्टैंड नहीं ले रहा था, सिर्फ आके इस टॉपिक पे व्यूज लेके लोग चले जा रहे हैं। चलो अब चलने का वक्त हो गया है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम लोग अपना काम करो, लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है, मिलते हैं फिर, जय श्री राम।